हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि यह समस्या काफ़ी लोगों को होती है लेकिन उनको पता ही नहीं रहता है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है, और हाई ब्लड प्रेशर के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। इसकी वजह से अंदर के अंदर बढ़ता जाता है और हमारे बॉडी के हिस्सों को डैमेज करता जाता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो दिल है, मस्तिष्क है, इसके अलावा किडनीज, आँखें और जो रक्तवाहिका है हमारे शरीर की, वो डैमेज होती रहती है, और इसकी वजह से काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे हार्ट अटैक आ सकता है, पैरालिसिस हो सकता है स्ट्रोक की वजह से, इसके अलावा जो पैरों की नसें हैं उसमें ब्लॉकेजेस होने की वजह से गैंग्रीन हो सकता है, आँखों में रेटिनोपैथी की वजह से अंधापन आ सकता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हमें हाइपरटेंशन की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से दिखाई देते हैं, इसलिए इसको नज़रअंदाज करना अच्छा नहीं है। हमारे लाइफस्टाइल में कुछ रिस्क फैक्टर्स है, वो रिस्क फैक्टर की वजह से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। तो रिस्क फैक्टर में सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आप जो है नमक का ज़्यादा सेवन करते हैं, डेली आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 ग्राम नमक लेना है, उससे ज़्यादा नमक नहीं लेना है। इसके अलावा स्मोकिंग भी एक मुख्य वजह है हाई ब्लड प्रेशर की। लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इसके अलावा आपका जो खान पान है उसमें ज़्यादा मात्रा में जो है ट्रांसफैट लेते हैं, जैसे तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, मार्केट से जो फास्ट फूड जंक फूड है इसका ज़्यादा सेवन करते हैं, तो इसके वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या उत्पन्न होती है। और जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है, मोटापा है, उन लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत ज़्यादा होती है, क्योंकि यह जो मोटापा है आपके दिल पे ज़्यादा प्रेशर डालता है और इसके वजह से बीपी की जो लेवल्स है वो हाई रहती है। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज़्यादा है, अभी जो ये चार्ट मैंने यहाँ दिया है इसमें अगर आपका जो बॉडी मास इंडेक्स ग्रीन एरिया में है, अगर आपको आपका वज़न पता है किलोग्राम में और हाइट पता है सेंटीमीटर्स में, तो इस चार्ट से आप आपका वज़न नॉर्मल रेंज में है या ज़्यादा है पता कर सकते हैं। अगर बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज़्यादा है तो आपको इसको नॉर्मल लेके आना है। अभी बॉडी मास इंडेक्स के अलावा दूसरा जो क्राइटेरिया है वो वेस्ट सरकमफेरेंस, मतलब अगर आपकी पेट निकला हुआ है, आपकी तोन निकली हुई है, तो ये काफ़ी डेंजरस है और इसको नियंत्रण में लाना जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से ही आगे हाई बीपी और अन्य बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है। अभी जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है इसकी। स्ट्रेस की वजह से जो है लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, और जो है इसकी वजह से दिल की समस्याएँ बढ़ती रहती है। तो आप हाई बीपी जो है इसके बारे में क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए साइलेंट किलर है, इसलिए 40 साल के बाद हमें हर साल एक बार तो भी हमारा बीपी ज़रूर नापना चाहिए। और यह ब्लड प्रेशर 120-80 है तो ये नॉर्मल है, अगर ये 140 और 90 के ऊपर है, मतलब जो ऊपर का बीपी 140 और नीचे का 90, तो ये इससे ज़्यादा है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर के बारे में सोचना शुरू करना है। जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है उसको आपको अप्लाई करना है और ज़रूरत पड़ने पर दवाइयाँ भी लेनी पड़ सकती हैं। तो जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपको नमक का सेवन कम, दिन में आपको 5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं लेना है, मतलब आपको महीने में 150 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं लेना पड़ेगा। इसके अलावा आपको जो आपका डाइट है उसमें ट्रांसफैट का सेवन नहीं करना है, मतलब जो तली हुई चीज़ें हैं उसका सेवन अवॉइड करना है। इसके अलावा डेली एक्सरसाइज करनी है, कम से कम आपको रोज़ 80 मिनट तेज़ चलना है, सवेरे 40 मिनट तेज़ चलना है और शाम को 40 मिनट तेज़ चलना है, तो ये एक दिन में आपके लगभग 10,000 स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे। और इतना अगर आप चलते हैं तो आपकी दिल की जो मसल्स है स्ट्रांग रहेगी, आपकी ऑल ओवर हेल्थ अच्छी रहेगी। इसके अलावा अगर स्मोकिंग करते हैं तो उसको छोड़ देना है, और जो स्ट्रेस है उसको मैनेज करना सीखना है, जो फैमिली लेवल पे स्ट्रेस है, वर्क प्लेस पे है, उसको मैनेज करना सीखना है। आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और छोटी छोटी चीज़ों पर हाइपर होना इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है, आपकी तोन निकली है, तो ये काफ़ी बीमारियों की जड़ है, इससे आगे चल के आपको जो है हाई बीपी होता है और अन्य सारी बीमारियां होती है। तो वज़न को नियंत्रण में लाना काफ़ी ज़रूरी है। इसके लिए आपकी जितनी कैलोरी रिक्वायरमेंट है दिन की, जैसे आपकी 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है तो आपको 200-300 कैलोरीज दिन में कम लेने हैं, तो कैलोरी डेफिसिट डाइट लेना है। आपके डाइट में फल और सब्जियाँ ज़्यादा लें, ठीक है, सलाद का ज़्यादा सेवन करें। इसके बारे में हमारे चैनल पे आपको डिटेल्स वीडियो मिल जाएंगे, डाइट प्लान क्या होना चाहिए हाइपरटेंशन में। तो दोस्तों, हाई बीपी को नज़रअंदाज नहीं करना है, समय समय पर इसकी जांच करती रहनी है, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अगर ये नियंत्रण में नहीं आता है तो दवाइयाँ लेके इसको नियंत्रण में रखना है। दवाइयाँ प्लस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, इनको अगर आपका बीपी ज़्यादा है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, और फिर
ये जो हाइपरटेंशन साइलेंट किलर है ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल है या आपका कोई सुझाव है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।